गुड मॉर्निंग दोस्तों, श्रीराम कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अपन भारतीय भूगोल में भौतिक प्रदेशों के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें अपन ने पहला पार्ट हिमालय पर्वत श्रृंखला पढ़ लिया था। आज दूसरा पार्ट पढ़ेंगे उत्तर का विशाल मैदान, यानी कि आज उत्तर के विशाल मैदान के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा फिजिकल या यूँ कहें दूसरा भौतिक प्रदेश है अपने सामने उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान। इससे पहले अपन ने हिमालय पर्वत के बारे में चर्चा की थी। उत्तर के विशाल मैदान की अगर बात करें अपन, तो नाम से स्पष्ट है इसकी स्थिति भारत के उत्तर में बनती है। उत्तर के विशाल मैदान की उत्पत्ति के संदर्भ में अगर अपन बात करें कि उत्तर के विशाल मैदान की उत्पत्ति कैसे हुई है, यानी कि उत्तर के विशाल मैदान की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, तो उत्पत्ति की बात करें उससे पहले मैं बताऊं कि अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था हिमालय पर्वत। क्या पढ़ा था? हिमालय पर्वत। यानी कि हिमालय पर्वत की अगर बात की जाए तो हिमालय पर्वत जो है वो टेथिस सागर, किसके? टेथिस सागर के उत्थान का परिणाम है। किसका परिणाम है? टेथिस सागर के उत्थान का परिणाम। यानी कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के मध्य जो टकराव हुआ था, उस टकराव के कारण टेथिस सागर के गर्त में जो अवसाद जमा था, उस अवसाद में क्या हुआ? उत्थान हुआ। उस उत्थान के कारण हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। और हिमालय पर्वत के निर्माण के कारण ही अगर देखा जाए तो जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का, या यूँ कहें जो भारतीय प्लेट थी, उस भारतीय प्लेट के गर्त का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? गर्त का निर्माण हुआ। यानी कि टेथिस सागर का उत्थान हुआ। टेथिस सागर के उत्थान के कारण जो भारतीय प्लेट थी, उस भारतीय प्लेट में एक गर्त का निर्माण हुआ। और दूसरी प्लेट आपके सामने थी यूरेशियन प्लेट। कौन सी प्लेट थी? यूरेशियन प्लेट। यानी कि सीधा सा अगर देखें अपन तो हिमालय के उत्थान के कारण जो भारतीय प्लेट थी, उस भारतीय प्लेट में एक गर्त बना। क्या बना? गर्त, या यूँ कहें गहरी खाई बन गई थी। इस खाई की पूर्ति की अगर बात करें अपन, यहाँ पर देखें एक कालक्रम था जिसका नाम है प्लिस्टोसिन युग। कौन सा युग था? प्लिस्टोसिन युग। प्लिस्टोसिन युग यानी कि जो प्लिस्टोसिन युग था, उस प्लिस्टोसिन युग में हिमालय से नदियों का बहाव प्रारंभ हो गया था। यानी कि हिमालयी नदियों का जो उत्थान है वो प्लिस्टोसिन युग में प्रारंभ हो गया था। और हिमालय क्षेत्र में अगर बात करें तो यहाँ पर जलोढ़ों का जमाव था। किसका जमाव था? जलोढ़ का जमाव था हिमालय क्षेत्र में। और प्लिस्टोसिन काल में, किस काल में? प्लिस्टोसिन काल में हिमालयी नदियों का बहाव प्रारंभ हुआ। यानी कि जो हिमालय क्षेत्र था यहाँ से नदियाँ प्रवाहित होना प्रारंभ हुई। नदियाँ प्रवाहित होना प्रारंभ हुई, तो जैसे ही नदियाँ प्रवाहित हुई तो नदियाँ अपने साथ हिमालय क्षेत्र से अवसाद, या यूँ कहें जलोढ़ जो है, बहा के लाई। और इन जलोढ़ों का निक्षेपण जो भारतीय प्लेट का गर्त था, उस गर्त में हिमालयी नदियों द्वारा निक्षेपण किया गया, अवसादों का निक्षेपण किया गया। तो इस अवसाद के निक्षेपण के कारण किसका निर्माण हो गया? उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण हुआ। क्लियर हुई बात? यानी कि मैं पुनः रिपीट करता हूँ आपके सामने कि जो प्लिस्टोसिन युग था, इस प्लिस्टोसिन युग की अपन बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? प्लिस्टोसिन। प्लिस्टोसिन युग में हिमालय की नदियों द्वारा, हिमालय की नदियों द्वारा भारतीय प्लेट के गर्त में, भारतीय प्लेट के गर्त में अवसाद, या यूं कहें जलोढ़, अवसादों के निक्षेपण के कारण, किसके कारण? निक्षेपण। निक्षेपण का मतलब होता है जमाव, जमाव, निक्षेपण के कारण। यानी कि जो उत्तर का विशाल मैदान है वो हिमालय के दक्षिण में स्थित है। शिवालिक के गिरिपात के बाद का जो संपूर्ण क्षेत्र है वो एक समतल मैदान उत्तर का विशाल मैदान ही है। यानी कि हिमालय के दक्षिण में उत्तर का विशाल मैदान स्थित है। और उत्तर के विशाल मैदान की उत्पत्ति या इसका निर्माण जो है, प्लिस्टोसिन युग में हिमालय क्षेत्र की नदियों द्वारा भारतीय प्लेट के गर्त में अवसादों के निक्षेपण या जमाव के कारण हुआ है। यानी कि उत्तर का विशाल मैदान जो है एक
और निक्षेपित मैदान है। कैसा मैदान है? निक्षेपित मैदान है, और इसका निक्षेपण किया था हिमालयी क्षेत्र की नदियों ने। यानी कि आपको बात समझ में आई होगी, ये एरिया तो है इसका पश्चिम का एरिया, और ये एरिया है पूर्व का। कौन सा एरिया है, सॉरी उल्टा बोल दिया, ये तो है इसके पश्चिम का एरिया और ये है इसके पूर्व का एरिया। उत्पत्ति आपको क्लियर हुई होगी कि प्लिस्टोसिन युग में हिमालयी नदियों के निक्षेपण द्वारा उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। इसके बाद अगर नेक्स्ट अपन बात करें तो उत्तर के विशाल मैदान की लंबाई, उत्तर के विशाल मैदान की लंबाई की अगर बात की जाए तो इसकी लंबाई है लगभग 2400 किलोमीटर लंबा। कितना है? 2400 किलोमीटर लंबा है। इसके एरिया की अगर बात की जाए, जो रावी नदी है, कौन सी नदी है, रावी नदी से लेकर के सुंदरवन डेल्टा, रावी नदी से सुंदरवन डेल्टा, यानी कि रावी नदी से लेकर के जो सुंदरवन डेल्टा है वहाँ तक उत्तर के विशाल मैदान की लंबाई है। क्लियर हो गई, यानी कि 2400 किलोमीटर लंबा यह मैदान है। इसके बाद अगर बात करें इसकी औसत ऊंचाई, उत्तर के विशाल मैदान की औसत ऊंचाई की अगर बात की जाए तो इसकी औसत ऊंचाई है लगभग 200 मीटर। कितनी है? लगभग 200 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। नेक्स्ट अगर बात की जाए उत्तर के विशाल मैदान की चौड़ाई की, अगर अपन बात करें, किसकी बात करें, चौड़ाई की अगर बात करें अपन, इसकी चौड़ाई अगर देखा जाए तो पूर्व में चौड़ाई कम है जबकि पश्चिम में चौड़ाई अधिक है। पश्चिम में चौड़ाई अधिक है। पूर्व की अगर बात की जाए तो पूर्व में उत्तर का विशाल मैदान लगभग 150 किलोमीटर चौड़ा है। कितना है? 150 किलोमीटर चौड़ा है। जबकि पश्चिम की अगर बात की जाए तो पश्चिम में लगभग इसकी चौड़ाई है 500 किलोमीटर। कितनी? 500 किलोमीटर। आपने देखा होगा जो बंगाल की खाड़ी के आसपास का एरिया या बांग्लादेश के आसपास का जो एरिया है वहाँ पर इसकी चौड़ाई में निरंतर कमी आती है, जबकि पश्चिम में अगर अपन चले तो शिवालिक के गिरिपाथ से लेकर के राजस्थान में जो या यूँ कहें गंगा यमुना का जो मैदान है या राजस्थान का जो पूर्वी हिस्सा है वहाँ पर, तो पश्चिम में इसकी चौड़ाई अधिक है, लगभग औसत 500 किलोमीटर चौड़ा है जबकि पूर्व में 150 किलोमीटर इसकी चौड़ाई। इसकी कुल लंबाई 2400 किलोमीटर है रावी नदी से लेकर के सुंदरवन डेल्टा तक, जबकि औसत ऊंचाई है 200 किलोमीटर। नेक्स्ट बात की जाए उत्तर के विशाल मैदान के क्षेत्रफल की अगर अपन बात करें तो इसका क्षेत्रफल है लगभग 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर, 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर में यहाँ फैला हुआ है। क्लियर हो गई बात। ये उत्तर के विशाल मैदान की बेसिक जानकारी। पुनः रिपीट करता हूँ, उत्तर का विशाल मैदान हिमालयी नदियों द्वारा निक्षेपित मैदान है जो एक समतल व चौरस मैदान है, जिसकी कुल लंबाई 2400 किलोमीटर है, औसत ऊंचाई 200 मीटर, इसकी पश्चिम में चौड़ाई अधिक है जबकि पूर्व में चौड़ाई कम है। उत्तर के विशाल मैदान का कुल क्षेत्रफल 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद अगर आगे बात करें अपन निर्माण क्रम के अनुसार, किसके अनुसार, निर्माण क्रम के अनुसार अगर बात करें, किसके अनुसार, निर्माण क्रम के अनुसार, यानी कि उत्तर का जो विशाल मैदान है इस उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण क्रम क्या रहा है। निर्माण क्रम की अगर बात करें तो पुनः रिपीट करता हूँ मैं आपके सामने, हिमालयी क्षेत्र, और इस हिमालयी क्षेत्र की बात करें तो एक तरफ तो पर्वतीय क्षेत्र हो गया और दूसरी तरफ अगर बात करें तो बंगाल की खाड़ी का जो एरिया है ना, ये वाला जो पार्ट है पूरा का पूरा समुद्री एरिया है। अगर अपन पदार्थ की बात करें, किसकी बात करें, अगर पदार्थ की बात की जाए यहाँ पर कोई भी अगर पदार्थ है, इस पदार्थ की अगर अपन बात करें तो पदार्थ जो है वो निम्न गुरुत्व से उच्च गुरुत्व की ओर गमन करता है, और गमन करता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, जो पदार्थ है वह निम्न गुरुत्व से उच्च गुरुत्व की ओर गमन करता है। जिस तरह से अपन वायु सिस्टम पवनों में देखते हैं कि पवन जो है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर गमन करती है, पदार्थ का उल्टा है, पदार्थ निम्न गुरुत्व से उच्च गुरुत्व की ओर गमन करता है। पर्वतों की बात की जाए तो पर्वतों का औसत गुरुत्व बताया जाता है 2.7, पर्वतों का औसत गुरुत्व कितना है 2.7 GCM क्यूब। और महासागरों की अगर बात की जाए तो महासागरों का औसत गुरुत्व बताया जाता है 3, कितना है 3 GCM क्यूब।
3 घन प्रति वर्ग मीटर। तो तीन समुद्रों का औसत घनत्व 3 जीसीएम क्यूब बताया जाता है, जबकि पर्वतों का औसत गुरुत्व 2.7 जीसीएम क्यूब बताया जाता है। अब बात की जाए तो पदार्थ जो है पर्वतों से सागरों की ओर स्थापित होगा या प्रवाहित होगा। यहाँ पर अगर अपन बात करें हिमालयी क्षेत्र की, इस हिमालयी क्षेत्र में जलोढ़ों का जमाव है। किसका जमाव है? जलोढ़ों का जमाव है, हिम निक्षेपण है। तो यहाँ से क्या होगा कि नदियों का प्रवाह प्रारंभ होगा। किसका प्रवाह प्रारंभ होगा? नदियाँ, यानी कि हिमालयी क्षेत्र से नदियाँ निकलेगी। और आपको पता है अगर पर्वतीय क्षेत्र से कोई नदी निकलती है तो वो नदी अपने साथ विशाल कंकड़ पत्थरों को लेकर के प्रवाहित होती है। तो हिमालयी क्षेत्र से जो नदियाँ प्रवाहित हो रही है, उन नदियों की अगर अपन बात करें तो इस तरह से उत्तर के विशाल मैदान की जो आकृति है, मैंने आपको बताया था कि पश्चिम में चौड़ाई अधिक है जबकि पूर्व में इसकी चौड़ाई कम है। पूर्व में इसकी चौड़ाई कम है, यानी कि पश्चिम से अगर अपन पूर्व दिशा की ओर गमन करते हैं तो उत्तर के विशाल मैदान की चौड़ाई में निरंतर वृद्धि होती है। पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर अगर अपन गमन करते हैं तो उत्तर के विशाल मैदान की चौड़ाई में निरंतर वृद्धि होती जाती है। अब जो हिमालयी क्षेत्र की जो नदियां हैं, वो हिमालयी क्षेत्र की नदियां प्रवाहित होना प्रारंभ होगी, और जैसे ही शिवालिक हिमालय को पार करने के बाद यह विशाल मैदान या मैदानी क्षेत्र में प्रवाहित होगी हिमालयी नदियाँ, तो ये नदियाँ आपको पता ही है पहाड़ी क्षेत्रों से अपने साथ विशाल कंकड़ पत्थर लेकर के प्रवाहित होती है। जैसे ही नदियाँ मैदानी भागों में प्रवाहित होगी तो मैदानी भागों में प्रवाहित होते समय अपने साथ जो कंकड़ पत्थर लेके आई है उन कंकड़ पत्थरों का निक्षेपण करना प्रारंभ करेगी। क्या करना प्रारंभ करेगी? निक्षेपण करना प्रारंभ करेगी, यानी कि शिवालिक के गिरिपाद में कंकड़ पत्थरों का निक्षेपण प्रारंभ होगा। जैसे ही यह निक्षेपण प्रारंभ होगा तो इसे नाम दिया जाएगा, यानी कि जो शंकुनुमा जो आकृति बनेगी उसे जलोढ़ शंकु के नाम से जाना जाता है। और इन कंकड़ पत्थरों का जो निक्षेपण हुआ है, इस निक्षेपण से बनने वाली स्थला आकृति को नाम दिया गया है भाबर। क्या नाम दिया गया है? भाबर। भाबर यानी कि जो विशाल मैदान है, उस विशाल मैदान की स्थला आकृतियों की अपन बात कर रहे हैं। भाबर, भाबर की अगर अपन बात करें तो भाबर क्या है? कंकड़ पत्थरों का जमाव है। किसका जमाव है? कंकड़ पत्थर या कंकड़ पत्थरों का शंकु के रूप में जमाव। शंकु के रूप में जमाव। वापस रिपीट करता हूँ, हिमालय क्षेत्र की नदियाँ अपने साथ लाए गए विशाल कंकड़ पत्थरों को मैदानी क्षेत्रों में जहाँ निक्षेपित करती है उस भाग को भाबर के नाम से जाना जाता है। यह कृषि की दृष्टि से अनुपयुक्त क्षेत्र है, कंकड़ पत्थरों का जमाव है, कृषि कार्य यहाँ पर नहीं किया जाता है। इस भाबर क्षेत्र की अगर बात की जाए तो भाबर क्षेत्र में जलोढ़ शंकुओं का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? जलोढ़ शंकु का निर्माण होता है, यानी कि जो क्षैतिज जमाव हो रहा है उसे जलोढ़ शंकु नाम दिया गया है। और अगर ये जलोढ़ शंकु पंखाकार है, कैसा है? पंखाकार, पंख के समान पंखाकार अगर इनकी आकृति है तो इन्हें जलोढ़ पंख के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाएगा? जलोढ़ पंख के नाम से जाना जाएगा, यानी कि जो जलोढ़ शंकु है, जलोढ़ शंकुओं का जमाव पंखाकार आकृति में अगर हुआ है तो इसे जलोढ़ पंख के नाम से जाना जाएगा। किसके नाम से जाना जाएगा? जलोढ़ पंख के नाम से जाना जाएगा। देखो कई किताबों में जलोढ़ शंकु और जलोढ़ पंख अलग अलग बताए गए हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो दोनों एक ही हैं, जलोढ़ शंकु और जलोढ़ पंख। अगर जलोढ़ शंकु क्षैतिज आकार में है तो शंकु और पंख के नुमा अगर इनका जमाव है तो ये जलोढ़ पंख कहलाएंगे। क्लियर हुई बात? अब अगर नेक्स्ट आगे बात करें, इन जलोढ़ शंकुओं के अंदर देखा जाए तो नदी जो है कई छोटी छोटी धाराओं में प्रवाहित होना प्रारंभ होती है। इन चट्टानी टुकड़ों के मध्य नदी छोटी छोटी धाराओं में प्रवाहित होना प्रारंभ होती है, यानी कि इतने विशाल का एक कंकड़ पत्थर होते हैं कि एक समय ऐसा आता है कि यहाँ पर नदी अदृष्टिगोचर होती है, नदी लुप्त प्राय हो जाती है, नदी दिखाई नहीं देती है। नदी दिखाई नहीं देती तो इस आकृति को कहा जाता है गुम्फित नदी। क्या कहा जाता है?
नदी का गुम्फित होना या गुम्फित नदी के नाम से जानी जाती है। गुम्फित गुम्फित नदी, गुम्फित नदी के नाम से जानी जाती है, यानी कि नदी जो लुप्त प्राय होती है, क्या होती है, लुप्त या अदृष्टिगोचर, लुप्त या जो अदृष्टिगोचर होती है उसे ही गुम्फित नदी के नाम से जाना जाता है। आपको याद रखना है कि नदी अदृष्टिगोचर या गुम्फित या नदी विलुप्त किस क्षेत्र में होती है, तो वो भाबर क्षेत्र में नदी विलुप्त होती है। इसके बाद अगर आगे बात करें तो इस भाबर प्रदेश को पंजाब में चोस के नाम से जाना जाता है। भाबर प्रदेश की अगर बात करें तो पंजाब राज्य में भाबर को चोस मैदान के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, चोस मैदान के नाम से जाना जाता है पंजाब राज्य में। किस राज्य में, पंजाब राज्य में, पंजाब राज्य में यह चोस मैदान के नाम से जाना जाता है। अब अगर आगे बात करें अपन तो ये जो नदी भाबर क्षेत्र में नदी कई धाराओं में प्रवाहित हो रही है, कंकड़ पत्थर के नीचे लुप्त हो चुकी है, यह नदी इन छोटी छोटी धाराओं के रूप में पुनः आगे बढ़ती है और आगे बढ़ने के बाद ये छोटी छोटी धाराएं पुनः एक होकर के प्रवाहित होना प्रारंभ होती है। तो इस प्रकार से जो स्थलाकृति बनती है, इस स्थलाकृति को नाम दे दिया गया है तराई प्रदेश। क्या नाम दिया गया है, तराई प्रदेश, यानी कि तराई भाबर क्षेत्र से निकलने के बाद नदी की जो छोटी छोटी जलधाराएं हैं पुनः एक नदी के रूप में जो प्रवाहित होगी या पानी का जो यहाँ जमाव होगा उसे नाम दिया गया है तराई प्रदेश। क्या नाम दिया गया है, तराई प्रदेश, यानी कि जो दूसरी स्थलाकृति है वो क्या है आपके सामने, तराई प्रदेश। तराई प्रदेश, तराई प्रदेश की अगर अपन बात करें, तराई प्रदेश, तराई प्रदेश की अगर अपन बात करें तो तराई प्रदेश एक दलदली भूमि है। क्या है, तराई प्रदेश की अगर बात की जाए तो तराई प्रदेश भाबर के दक्षिण में स्थित जो दलदली भूमि क्षेत्र है वह तराई प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा के समानांतर फैला हुआ है। तराई प्रदेश आपको सीधा याद रखना है दलदली भूमि, दलदली भूमि। यह भी कृषि कार्य के लिए अनुपजाऊ है, यहाँ पर मच्छर, कीट, पतंग या जहरीले जीव जंतु पाए जाते हैं तराई प्रदेश के अंदर। तराई प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ पर पिछले साल रीट में एक प्रश्न पूछा गया है कि नदी का पुनः प्रकटीकरण, नदी का पुनः प्रकटीकरण यानी कि नदी लुप्त हो रही है भाबर प्रदेश में और तराई प्रदेश में नदी का पुनः प्रकटीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, नदी का पुनः प्रकटीकरण, प्रकटीकरण, ये कंप्यूटर थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, बोल के बता देता हूँ मैं आपको। तराई प्रदेश में नदी का पुनः प्रकटीकरण होता है, यानी कि नदी पुनः दृष्टिगोचर होती है किस क्षेत्र में, तराई प्रदेश में। तराई प्रदेश के बाद अगर आगे बात करें अपन तो तराई प्रदेश के बाद नदी पुनः आगे प्रवाहित होना प्रारंभ होती है और तराई प्रदेश के बाद अगर देखा जाए तो जो बाढ़ के कारण, बाढ़ के कारण नदी का जल जो प्राकृतिक तटबंध है, इस प्राकृतिक तटबंध को तोड़ करके, प्राकृतिक तटबंध को तोड़ करके नदी का पानी अगर विशाल मैदान में फैल जाए तो उसे कहा जाता है बांगड़। क्या कहा जाता है, बांगड़, बांगड़ के नाम से। बांगड़ से आपको याद रखना है पुराना जलोढ़क मैदान। बांगड़ का मतलब क्या है, पुराना जलोढ़क मैदान, यानी कि प्राकृतिक तटबंध को तोड़ करके नदी अगर आगे के मैदान में प्रवाहित होती है तो उसे बांगड़ के नाम से जाना जाता है। बांगड़ पुरानी जलोढ़क मृदा का मैदान है। और अगर बात करें तो बांगड़ को पंजाब में धाई के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, धाई के नाम से जाना जाता है। और बांगड़ के दक्षिण में अगर अपन बात करें तो बांगड़ के बाद आगे जो नदी प्रवाहित होती है वह नवीन बाढ़ का मैदान जो है वो कहलाता है खादर। क्या कहलाता है, खादर, खादर के नाम से जाना जाता है। खादर जो है नवीन जलोढ़क मैदान है, उपजाऊ कृषि युक्त क्षेत्र है यहाँ, और उसके बाद अंतर नदी डेल्टा बनाते हुए समुद्र में अपना जल प्रवाहित कर देती है। क्लियर हो गई बात, पुनः रिपीट करता हूँ, भाबर
नदी गुम्फित या अदृष्टि गोचर, उसके दक्षिण में तराई प्रदेश दलदली भूमि है जहाँ पर नदी का पुनः प्रकटीकरण होता है। तराई के दक्षिण में बांगड़ का एरिया है, बांगड़ पुरानी जलोढ़क मृदा का मैदान है जहाँ प्रति वर्ष बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता है। 3-4 वर्षों में एक बार बाढ़ का पानी पहुँचा, पुरानी जलोढ़क मृदा का जमाव है वह बांगड़ कहलाएगा। राजस्थान में अगर बांगड़ प्रदेश की बात की जाए तो लूणी नदी का जो क्षेत्र है वह बांगड़ प्रदेश के नाम से या बांगड़ मृदा का विस्तार है लूणी बेसिन में। फिर देखा जाए खादर, तो खादर जो है नवीन जलोढ़क मृदा का विस्तार है खादर क्षेत्र में। भाबर कंकड़ पत्थर युक्त क्षेत्र है जबकि तराई दलदली भूमि है। बांगड़ पुरानी जलोढ़क मृदा जबकि खादर नवीन जलोढ़क मृदा है। क्लियर हो गई बात, इनको आपको क्रम से याद रखना है। ये था आपका उत्तर का विशाल मैदान। थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट पढ़ेंगे अगली क्लास में।